हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो क्वेश्चन नंबर टू ए अभी हम सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन uh, कुछ इस तरीके से पूछा था कैसे करना है ध्यान से देखते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिकॉज हर एक पॉइंट में आपको इंडिविजुअली मार्क्स मिलेंगे एक 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 मार्क्स मिलते जाएगा मिस्टर विजय इज एन इंजीनियर प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आंसर इसका प्रेजेंट होगा रिस्यव फीस फॉर एडवाइस इन रिलेशन टू सेटिंग अप ऑफ एन इंस्टीट्यूट टू लैक फिफ्टी थाउजेंड फिर बोल रहा है रिस्यूड फीस फॉर प्रोफेशनल एडवाइस टू हिस फ्रेंड फीस रिस्यूव फॉर टेक्निकल असिस्टेंस इन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एडवाइस टू हिस फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज रिस्यव फीस फॉर कंसल्टेंसी इन नेटवर्किंग सैलरी रिस्यूव फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर पार्ट टाइम जॉब

और कितने पॉइंट्स नॉन टैक्सेबल होंगे और जीएसटी कैलकुलेशन कैसे होगा अगर आप ये पूरे क्वेश्चन में ध्यान से एक पॉइंट देखें तो ये हमारा पॉइंट जो है परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर ऑफिस वर्क दैट इज नॉट इनकम एक्चुअली दैट इज एन एक्सपेंडिचर तो इसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जिसको हम कहते हैं आई टी सी मिलेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑफिस वर्क के लिए वन लाख सिक्सटी के ऊपर जी एस टी जो भी कैलकुलेट करेंगे वो हम माइनस करके सीखेंगे तो कैसे इसको प्रेजेंट करना है बहुत ही सिंपल है हर एक पॉइंट को हमको टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है वो ढूंढना है एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी कैल्कुलेटिंग सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिसिव्ड फीस फॉर एडवाइज इन रिलेशन टू सेटिंग अप ऑफ एन इंस्टीट्यूट टू लैक फिफ्टी थाउजेंड तो ये बन जाएगा टैक्सेबल तो ये आपको एक मार्क दे देगा रिसिव्ड फीज फॉर प्रोफेशनल एडवाइज टू हिज फ्रेंड रिसिव्ड फीज बोल रहा है प्रोफेशनल एडवाइज टू हिज फ्रेंड ये भी बन जाएगा टैक्सेबल वॉट एवर अमाउंट इज गिवन वी विल बी राइटिंग फीज रिस्यव फॉर टेक्निकल असिस्टेंस इन सॉफ्टवेयर दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल वो भी हम लिख देंगे प्रोफेशनल एडवाइस टू हिज फ्रेंड फ्री ऑफ चार्ज तो फ्री ऑफ चार्ज बोल रहा है फ्री ऑफ चार्ज का मतलब पैसे कुछ नहीं मिलेंगे इसलिए वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा तो आपको यहां पे डैश मारना है या नील लिखना है रिसीव्ड फीस फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज इन नेटवर्किंग दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल सॉफ्टवेयर आई टी सर्विसेज पूरा टैक्सेबल है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर पार्ट टाइम जॉब नॉन टैक्सेबल जीएसटी के परव्यू में नहीं आता है ये डायरेक्ट टैक्स के परव्यू में आता है फिर आपको इन सभी का टोटल करना है इन सभी का टोटल आएगा सेवन लैक्स फिर हमको क्या करना है सेवन लैक्स ,00 के ऊपर सी कैलकुलेट करना है नाइन और एस कैलकुलेट करना है नाइन जो आएगा सिक्सटी थ्री अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है विच इज कॉल्ड परचेज ऑफ स्टेशनरी तो परचेज ऑफ स्टेशनरी हमारा वन लैख सिक्सटी थाउजेंड था वो परचेज है इसका मतलब हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो वन लाख सिक्सटी के ऊपर नाइन परसेंट हमें कैलकुलेट करना है विच कम्स टू फोर्टीन फोर हंड्रेड सी जी एस टी फोर्टीन फोर हंड्रेड एस जी एस टी

और इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे दस मार्क्स तो अगर आप एक एम के स्टूडेंट है तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़ के रखें बिकॉज एम में भी बेसिकली जीएसटी जो है वो तो सेम ही है तो अकॉर्डिंगली इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े नाम और अमाउंट चेंज हो आते हैं तो ध्यान से ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखें आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर टू ए जो है वो समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लास्ट मिनट रिवीजन भी दा रहे ऐप डाउनलोड करना ना भूले सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है थैंक यू वेरी मच बाय टेक